हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। बेगपोरा सुंगलान शांगस अनंतनाग के निवासियों का कहना है कि पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण हम पीड़ित हैं। एलजी गवर्नर डीसी अनंतनाग पीएचई प्रशासन से तत्काल ध्यान देने का अनुरोध करें। पूरा वीडियो देखिए। इश्फाक वागे की रिपोर्ट। हम क्या चाहते? पानी, पानी। हम क्या चाहते? पानी, पानी। हाय हाय। क्या चीज? हाय हाय। पानी नहीं है यहाँ को। कितनी सांस? उम्र हो गई लगभग, जब से मेरी उम्र हो गई तब तक यहाँ पानी नहीं है। हमको पानी की बहुत प्रॉब्लम है। क्या वजह रही आज तक आपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के या मतलब गवर्नमेंट को ये बात नहीं पहुँचाई गवर्नमेंट तक? बार बार बोलते हैं हम, मगर कोशिश नहीं करते। हमको बहुत टाइम हो गया, बार बार बोलते हैं तो, लेकिन पानी कहाँ से लाते हो फिर आप? बहुत दूर है पानी, नाले के पास, वो गंदा पानी है, वही हम पीते हैं, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है। अब क्या आती है? क्या चाहते हो? हम पानी चाहते हैं जी। मोहम्मद इकबाल खान मेरा नाम है, मैं यहाँ बेगपुरा का पंच हूँ। तो हमको सर सदियों से पानी की बहुत कमी है। हम पानी मांग रहे थे पीएचई वालों से बहुत दफा। हम एमएलए साहब उनके पास भी गए और पीएचई वालों के पास भी, तो हमको उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। लेकिन सर हमारा बेगपुरा का गांव पहले तो इसमें आया था, प्लान में आया था, इसको पता नहीं 5 करोड़ के कितना 5-7 गांवों को दिया, लेकिन हमारे बेगपुरे को बीच में छोड़कर वटकश को और सोंगलन को पानी दे दिया, बीच में हमारा गांव छोड़ दिया। क्या वजह रही, क्या लगता है आपको? हमको लगता है सर जो यहाँ मुलाजम आते थे वो पैसों के बगैर काम कोई करते नहीं है। हमने सर बहुत कोशिश की तो फिर हमको पाइपें 40 दी उन्होंने, वो 40 पाइपें भी इधरी पड़ी हैं, उनको जोड़ कर नहीं देते हैं। हमको बोलते हैं जो सामान इसका है, वो सामान, वो डिबरियां शिबरियां लगती हैं ना, इसको बोलते हैं वो खरीद कर लाओ आप। तो यहाँ हम गरीब हैं तो खरीदने का भी किसी को ताकत नहीं। तो जो यहाँ मुलाजिम है डिप्टी वाले सर, उनको बोला हमको ये 40 पाइपें जोड़ दो, आधा गांव तो भी इसमें आ जाएगा। अब क्या गुजारिश? लेकिन सर उन्होंने बोला कि इसको पैसे लगते हैं, हमको पैसे दो, मजदूरी दो पहले। अब क्या गुजारिश है आपकी? हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और पीएमजी वालों से कि हमको पानी दे दो सर, हम गंदा पानी पीते हैं, हमें बहुत किल्लत है, बीमारी भी हो सकती है इससे। अब हमारी गुजारिश है कि हमको पानी दे दे। मैं सोंगलन बेगपुरा का रहने वाला हूँ। जहाँ हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो वो पीएचई की है। हमारे सोंगलन वालों को या बेगपुरा वालों को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारे औरतों को गंदा पानी इस्तेमाल करके अपना दिन बसर करना पड़ता है। नाले में जाता है गंदा पानी। यहाँ पाइपें बिछाई हुई हैं, वो पाइपें जमीन के ऊपर है, बिल्कुल जमीन के ऊपर है। जो भी ठेकेदार आया उसने अपनी बिल निकाल के चला गया, लेकिन पाइपें जो भी हैं वो जमीन के ऊपर है। किसी भी सतह पे ना कोई मुलाजिम काम कर रहा है, पाइपें बिछी चला गया, लेकिन पाइपें जो भी हैं वो जमीन के ऊपर है। किसी भी सतह पे ना कोई मुलाजिम काम कर रहा है, पाइपें बिछी है। बेगपुरा की जो ये कम से कम 30-35 घर हैं, इनकी पाइपें नहीं बिछाई गई हैं। बाकी की पाइपें बिछाई हैं, लेकिन वो पाइपें बिल्कुल जमीन के ऊपर हैं, जिनको कोहरा लग चुका है, अभी पानी है नहीं है। इसलिए मैं बेगपुरा जो है, इनको लगभग कितने सालों से ये दिक्कत आ रही है? इनको कई सदियों से दिक्कत आ रही है। जब से ये पैदाशी हुए हैं तो इनके पास पाइपें नहीं है। जब से ये यहाँ के बसनीकदार हो चुके हैं, आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी इनका मसला उठाया नहीं है। मैंने पिछली बार भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी मीडिया के माध्यम से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर कोई भी मतलब कदम उठाया गया है। इस वक्त मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ अपने लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से कि कम से कम इन सुंगलन वालों को पानी दिया जाए, बेगपुरा वालों को पानी दिया जाए। इन बेचारों के पास मतलब कोई भी ये सोर्स नहीं है, क्योंकि गंदा पानी इनको लाकर नाले से पीना पड़ता है। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर हमारी बच्चियों को जाना पड़ता है, औरतों को जाना पड़ता है, ये जाके वहां से पानी लाते हैं, तो फायदा इसका कुछ नहीं है। अगर इस वक्त मोदी साहब का कहना है कि घर घर जल, जल में पानी, मुझे नहीं लगा ना नाल में पानी है तो ना जल में पानी है। शुक्रिया। लिहाजा करके मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से, खासकर डीसी साहब अनंतनाग से, कि इन सोंगलन बेगपुरा की तरफ नजर किया जाए। मेरा नाम गुलाम हैदर खान है, मैं सोंगलन का रहने वाला हूँ। यहाँ जो इस वक्त मसला चल रहा है बेगपुरा, खासकर बेगपुरा का मसला है सर, यहाँ पथरेबल से
स्कीम और वाटर सप्लाई स्कीम पथरेबल से आ रही है, वटकश को कनेक्ट करती है। बीच में बेगपुरा पड़ गया सर, जिसको अभी तक महरूम रखा गया है। गवर्नमेंट से हमारी इस्तदा है कि बेगपुरा को भी इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। एक बेगपुरा है, वटकश को भी पानी जा रहा है, हरसुंगलन को भी पानी जा रहा है, सुंगलन को भी पानी जा रहा है, लेकिन बेगपुरा सर अलग थलग है। बीच में ये गांव है सर, आप देख रहे हो कितना गांव है, इनको पानी से महरूम रखा गया है। गवर्नमेंट के नोटिस में इससे पहले भी हमने बार बार ये मसला उठाया सर, बार बार उठाया। इस पे पीएचई वाले क्या कहते हैं? पीएचई वाले साहब, जिस वक्त भी हम पीएचई वाले से कहते हैं सर, वो आज पगा आज कल करके मसले को टाल देते हैं सर। हमने बहुत बार ये मसला अपने अहला हुकाम के साथ भी उठाया है, लेकिन उन्होंने कहा हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। खासकर बेगपुरा पीएचई की तरफ से महरूम रह गया सर। फाइनली क्या डिमांड? फाइनली हमारी आज डीसी साहब से गुजारिश है कि आज के दौर में, 21वीं सदी के दौर में भी ये लोग गंदे नाले